बांदा जनपद के पैलानी तहसील अंतर्गत खपतीहा कला न्याय पंचायत के अलोना ग्राम से ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाई गई अलोना पंप कैनाल, जो पिछले लगभग 45 वर्षों से विलुप्त हो चुकी नहर, आज एक बार फिर तिंदवारी विधानसभा से भाजपा से विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण रामकेश निषाद के प्रयास से एक बार फिर नहर मूरत रूप लेने जा रही है। आज उसी का शिलान्यास व भूमि पूजन हवन पूजन कर विधि विधान से किया गया। आपको बता दें कि बांदा जनपद के पैलानी तहसील अंतर्गत अलोना पंप कैनाल ब्रिटिश सरकार द्वारा 1920 में क्षेत्र के किसानों को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन कुछ वर्षों तक चलने के बाद ही ये नहर पूरी तरह से बंद हो गई। साथ ही लोगों ने बंद पड़ी नहरों को जोत कर खेत और रास्तों में तब्दील कर दिया। नहर बंद होने से पैलानी तहसील क्षेत्र का किसान सिंचाई से महरूम होने के चलते पलायन के लिए मजबूर हो गया। जब उत्तर प्रदेश सरकार गठन के बाद 2022 के चुनाव के बाद पहले दौरे पर ही अलोना पंप कैनाल जाना हुआ था, देखा गया कि इस परियोजना से आधा दर्जन गांव लाभान्वित नहीं हो रहे हैं और मौके पर किसानों ने अपनी समस्याएं रखी थी। इस परियोजना को पुनरुद्धार के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया था, तो आज जिसका जीर्णोद्धार का शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ है, ये 20 किलोमीटर की लगभग की परियोजना है और इसमें 2 करोड़ से ज़्यादा की लागत इसमें आएगी और 2000 हेक्टेयर से ज़्यादा किसान इसमें कृषि क्षेत्रफल का सिंचन क्षमता बढ़ेगी और किसान लाभान्वित होगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।